आमोद पोद्दार बाय प्रोफेशन एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जैसे पेशे से जुड़े होने के बावजूद आमोद जी ने एक संस्था की शुरुआत की। स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन के नाम से शुरू की गई ये संस्था समाज के गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा की लौ से प्रेरित करने का काम करती है। आइए जानते हैं आमोद जी के सफर के बारे में। मेरा संक्षिप्त सा परिचय है। मेरा नाम आमोद पोद्दार है, जैसा आपने बताया, और मैं बाय प्रोफेशन एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ प्राइवेट एयरलाइंस में, और बाय पैशन एक सोशल वर्कर हूँ। जो शुरुआत जो हमारी संस्था की हुई स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन आज से 5 साल पहले हुई, और एक जो इंस्पिरेशन, हर अच्छे काम के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई ना कोई घटना होती है जो आपको इंस्पायर्ड करती है ऐसी चीज़ों के लिए। तो मेरा भी कुछ ऐसा था, बचपन से जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ गरीबी आसपास पे ज़्यादा है, तो उनको लगता था कि जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता था, लगता कि जब भी मैं कुछ, जब मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो फाइनली जब आज से 5 साल पहले एक ऐसा वक्त आया, मुझे लगा कि अब मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, जब मैं अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में स्टेबल हो गया, तब मुझे लगा कि अब मुझे सोसाइटी के लिए करना चाहिए। हर इंडिविजुअल का अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम आती है, देखते इसमें प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम, बट मेरा थोड़ा सा ऐसा नेचर रहा है, भगवान ने मुझे ऐसा नेचर दिया, मैं सॉल्यूशन में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, जो थोड़ा बहुत भी योगदान कर सकूँ वो मुझे करना चाहिए, ऐसी मेरी फीलिंग थी। तो मुझे जब लगा कि मैं अब कुछ सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ, तो मेरा पैशन शुरू से रहा है कि मुझे टीचिंग हमेशा से अच्छा रहा है। हालांकि मैं टीचर नहीं हूँ बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, बट मुझे लगा कि जो मेरा पैशन है, जो मेरी हॉबी है, ये इसी को अस्त्र बना के मैं समाज के लिए कुछ करूँ। तो हमने जहाँ पे मैं रहता हूँ, फिर आसपास के एरिया का सर्वे किया, तो मुझे लगा कि जितने पार्क वगैरह में बच्चे दिन भर खेलते रहते थे, फिर मैं वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ये इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। दिन भर क्यों खेलते हैं, आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन है ये बच्चे। जब मैंने उनके बारे में, उनके घर में जाके देखा, पता किया, तब लगा कि वाकई इनको हमारी ज़रूरत है। तो उसी तरह से हमने शुरुआत की, और जो मेरा मानना है कि ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, बट हम समस्या तो हजारों गिना सकते हैं, मतलब, और सॉल्यूशन क्या है ये ज़्यादा जरूरी कि हम क्या सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो मुझे लगा कि एजुकेशन एक ऐसी समस्या है जो एक आम आदमी उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, कि एजुकेशन कभी भी उस कम्युनिटी की प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही है। वो हमेशा, वो उनको लगता है कि आज खा लिया, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सारा अटेंशन उनके रहता है। तो यही एक हमारा चैलेंज, बेसिक चैलेंज है कि हम उनके कैसे माइंडसेट को चेंज करें। फिर कई ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, अरे पढ़ के क्या होगा, नौकरी तो मिलनी नहीं है। अब ऐसे में तो चैलेंजेस होता है, बट ये टाइम लगता है कि आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हमें समझाने में महीनों सालों लग जाते हैं, तब जाके एक परिवार, एक फैमिली हमारे साथ जुड़ती है। और आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ 100 से ज़्यादा परिवार हमारे साथ इन्वॉल्व है, और वो अपने बच्चों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे सेंटर्स में भेजते हैं, और वो बहुत खुश है, उनको लगता है कि इनके पास हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। तो ये एक दिन का काम नहीं, ये जो चैलेंजेज हैं उनके माइंड में। और एक अच्छी बात है जो हमने देखा द्वारका में खास करके, कि ज़्यादातर जो लोग हैं कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, और ये जो द्वारका में लोग हैं ये हमारी कम्युनिटी के बीच में, सपोज रिक्शा वाला है, सपोज मेड है, गार्ड है, ये हमारे बीच में रह रहे हैं, तो देखते हैं कि लाइफ को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो उनके अंदर एक इच्छा रहती है कि हमारा भी, हम भी थोड़ा अच्छे से रहे, हम भी थोड़ा अच्छे से घर में रहे, हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, इच्छा तो रहती है। तो हमने ये इच्छा होना भी एक बड़ी बात है। आप बेगर्स की देखो, उनके अंदर इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, लेकिन ये ऐसा कम्युनिटी है उसके अंदर इच्छा है लेकिन साधन नहीं है। तो हम वो साधन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर हम उनको हेल्प कर रहे हैं। आप इच्छा कर रहे हो, आप बताओ, आपको वो कहते हैं हम बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं, स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल से भगा देते हैं, कह रहे हैं हमारा एडमिशन नहीं होगा, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो चीज़ें हम पूरा करके दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि एक ऐसा कम्युनिटी जो वाकई कुछ करना चाहती हो, बट साधन के अभाव में नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज के लिए करना चाहते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, कोई थोड़ा सा टाइम देना चाहता है। अब मेरे अंदर एक ऐसा जुनून था, मैं कि जॉब में रहते हुए मैंने कि इतना
बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया है, तो अलग अलग लेवल का पैशन भी होता है, बट हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये मेरे 5 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूँ, हर इंसान के अंदर एक दिल होता है और वो दिल किसी की भलाई के लिए कुछ करना चाहता है। हमारा ये मानना है कि मतलब हम अकेला, शायद मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँ, लेकिन हम 1 से 11, 100, 1000 हो जाए तो हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। इतनी शक्ति है संगठन की, पावर ऑफ कम्युनिटी आज का थीम भी है, तो ये पावर ऑफ कम्युनिटी बहुत बड़ा चीज है। मैं ठीक है, मेरा पैशन था पढ़ाना, इस पैशन को मैंने पैशन सिर्फ टीचिंग के बजाय एक लीडरशिप का भी वो अपने आप को चेंज ओवर किया, क्योंकि मुझे लगता मैं पढ़ाता अधिक से अधिक 5 बच्चे 10 बच्चे को पढ़ा सकता था, लेकिन जब मैंने एक टीम खड़ी कर ली, आज 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ लीडरशिप की वजह से। तो आप सबको आगे आना चाहिए, अंदर अपने अंदर एक लीडरशिप भी लाने की जरूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत सारे वॉलेंटियर्स हमारे पास आते हैं, कह रहे हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन अपने हमारे घर में जो मेड आती है उसके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा घर से बाहर निकलो, आप देखो आपके अंदर बहुत सारे बहुत शक्ति है, आप शक्ति का यूटिलाइज करो।